टू टुडे सेशन। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डीएनए रिपेयर। और इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन सेशन है। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ या नहीं। I think I'm audible and visible. और इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन सेशन केटर ऑन CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी। और आज से हम नया सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको ये बता दूं, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। ओके, हम इसमें देखने वाले हैं कि डीएनए में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, उन्हें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, देन ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स है जिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जिसे बोलेंगे हम रिपेयर ऑफ डीएनए, या ऐसे भी कुछ मैकेनिज्म्स है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है या जो एरर्स आए हैं डीएनए में उन्हें टॉलरेट भी किया जा सकता है। तो सेल या तो उसे रिपेयर करता है, नहीं तो टॉलरेट करता है। और डीएनए में जो प्रॉब्लम आती है, जो एरर आता है, वो कितने रीजंस की वजह से आता है, तो ओवरऑल हम ये देखने वाले हैं आज। सो वी विल लुक इनटू द एरर्स व्हिच अराइज इन डीएनए, वॉट आर द कॉजेस ऑफ द एरर्स, पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म देखने वाले हैं, देन उस उनके रिपेयर के डिफरेंट पाथवेज, डिफरेंट मैकेनिज्म्स, एंड कई बार टॉलरेट भी होते हैं, सेल उन्हें टॉलरेट करके आगे बढ़ाता है ताकि उसके जेनेटिक मटेरियल को कोई हार्म ना हो। सो वी विल स्टार्ट एवरीथिंग एंड वी विल प्रोसीड स्लोली एंड स्लोली, एट द एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम करते हैं, एंड ये टॉपिक को भी अच्छे से खत्म करेंगे। ये होने के बाद में मैंने आपको बोला था रिपेयर होने के बाद में हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोजॉन्स पढ़ेंगे एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये तीन पढ़ने के बाद में एक पूरा एक लगभग एक ओवरऑल आइडिया हमें मिल जाएगा काफ़ी टॉपिक्स के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर हम नए सेशन नए में एंटर करेंगे, नई चीज़ में। नौशीन बेटा गुड इवनिंग। सो लेट्स बिगिन। जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ससेप्टिबल, मतलब जेनेटिक मटेरियल में हमारे जो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होना और वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो करेक्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जर्म सेल में, जैसे कि गैमेट्स में, मेल फीमेल गैमेट में, अगर जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए में कुछ एरर आ गया तो वो एरर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाएगा। अगर वही एरर किसी तो हमारी उस बॉडी के सेल में उसी वक्त में एक प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आपको पता है उसी से ही प्रोटीन्स बनते हैं, जेनेटिक मटेरियल ही सब कुछ है। सो ये दो तरह से जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल, ये दोनों सेल को अलग अलग तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर म्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं एरर, जो एरर होता है डीएनए में, उसे ओवरऑल वी कॉल इट एज म्यूटेशन। एरर मतलब क्या है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, बैकबोन शुगर फॉस्फेट से बना होता है एंड जेनेटिक नाइट्रोजीनियस बेसिस शुगर से लगे होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं डीएनए का। अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, नाइट्रोजीनियस बेस में कोई चेंज आ जाए या बैकबोन में कोई चेंज आ जाए, तो उसे कहते हैं एरर इन डीएनए, ठीक है, और उसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द एरर इन डीएनए। म्यूटेशन के बारे में आपको खाली इतना ही ध्यान देना है, म्यूटेशन इज स्पॉन्टेनियस, इसके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ वेरी रैपिड, ये तुरंत होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। एंड म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर डीएनए में ही प्रॉब्लम है तो आपको पता है आगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए ही स्टार्टिंग मटेरियल है। तो म्यूटेशन जैसे कि एरर हम मैं बोल रही हूँ, एरर मतलब मैंने बोला दो तरह का हो सकता है, बैकबोन में आ सकता है, नाइट्रोजीनियस बेस में आ सकता है। एंड ये जो म्यूटेशन है दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड वेरी फास्ट, वेरी रैपिड, स्पॉन्टेनियस, खुद से कभी भी जल्दी से कहीं पे भी हो सकता है, एंड दिस इज रैंडम, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो म्यूटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, रैंडम, वेरी फास्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द परपिचुएशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब ट्रांसफर जो हो रहा है हर जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को, ये तभी होगा बहुत अच्छे से अगर म्यूटेशन का रेट जो है वो काफ़ी कम है। एंड एक और बात, ये आज फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है, तो अगर आप हर लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे,
क्योंकि पर डे 7 PM पे ही क्लास हो रही है, 1 आवर की क्लास होती है। आप अगर डेली बेसिस पे सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पे हर वर्ड वॉटसन से लेके आई हूँ, आप अगर मेरे स्लाइड्स से पढ़ लेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुन लेंगे ना, तो काफ़ी है। इसके बाद आपको वो वॉटसन को खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा वॉटसन ही यहाँ पे रहता है विद सम मॉडिफिकेशंस। सो ये आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप कंटिन्यूसली चेक करेंगे तो। तो अगर म्यूटेशन रेट ज़्यादा है जर्म लाइन में, तो ये पूरे स्पीशीज को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र है तो कोई हार्मफुल प्रोटीन नेक्स्ट जनरेशन में बन सकता है, कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं। एंड अगर सोमैटिक सेल में है तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती है उस इंडिविजुअल में उसी समय में। तो इसके लिए करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो जीन का फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो फिर जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेज हैं, जैसे कि ये हमारा एक जीन है, यहाँ पे है प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस एंड यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जिसके बारे में हमने बात की है। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ये कंट्रोल करते हैं कि इस सीक्वेंस से डीएनए के या आरएनए के कितना प्रोटीन बनेगा, उस पर्टिकुलर डीएनए से कितना आरएनए बनेगा, उस पर्टिकुलर एमआरएनए से कितने बार प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड वे में चलनी चाहिए। तो अगर एक डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, ये अगर एक डीएनए है, एक डीएनए एक मॉलिक्यूल, उसका ये छोटा सा सेगमेंट है जीन, तो ये जीन जो है यही आरएनए में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, इसका रेगुलेशन भी हो रहा है, तो ये रेगुलेशन के रीजन में अगर म्यूटेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम, अगर जीन में म्यूटेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम, या एमआरएनए में म्यूटेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम। सो म्यूटेशन इज बेसिकली एरर विच इज स्पॉन्टेनियस, रैंडम, वेरी फास्ट, इट कैन टेक प्लेस इन जर्म लाइन एज वेल एज सोमैटिक सेल्स, इट कैन टेक प्लेस इन द प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन द जीन एज, और इट कैन टेक प्लेस इन कंट्रोलिंग रीजन्स ऑफ द जीन, उस जीन का कंट्रोलिंग रीजन्स में हो सकता है, नहीं तो एक एमआरएनए में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर जीन में या डीएनए में प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर के बारे में बात अगर करेंगे तो, वॉट इज कैंसर अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में। अगर आपको कोई पूछे कैंसर क्या है, बस मैं आपको बोलूँगी दो तीन वर्ड्स में आप पूरा कैंसर क्या है पूरा समझा सकते हैं। ऐसे दो तीन वर्ड्स क्या हैं जो यूज कर सकते हैं हम, कोई बोल सकता है। चलिए मैं बोलती हूँ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, बस इतना ही, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कैंसर। सो म्यूटेशन का एक रिजल्ट आप बोल सकते हैं, अगर म्यूटेशन है जर्म लाइन में या सोमैटिक सेल में तो क्या होगा, एक उसका रिजल्ट हो सकता है कैंसर। कैंसर क्या है, इट इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, द सेल्स वेयर म्यूटेशन टेक्स प्लेस, और अगर वो म्यूटेशन सेल साइकिल रेगुलेशन वाले किसी जीन में आ जाए तो कैंसर होगा, क्योंकि सेल साइकिल रेगुलेशन वाले जीन में अगर प्रॉब्लम आ गई तो जो सेल डिवीजन हो रहा है वो रेगुलेटेड नहीं होगा, क्योंकि सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है, सेल साइकिल की वजह से होता है। तो अगर सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि G1, S, G2, M, M के डिफरेंट फेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो ट्रांजिशंस हैं एज वेल एज उस एक पर्टिकुलर फेज में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि रेप्लिकेशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है डीएनए का, लेकिन जो डीएनए है उन्हें जो रेप्लिकेशन, जैसे कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसका रेप्लिकेशन होकर एक और बन जाएगा, पूरा रेप्लिकेशन नहीं हुआ है लेकिन उसके सेंट्रोमियर से माइटोटिक स्पिंडल अटैच हो गया है, रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, स्पिंडल अटैच हो गया। अगर जो चीज़ जहाँ पे होना चाहिए, जो स्टेप जहाँ होना चाहिए वहीं पे अगर नहीं होगा तो उसे कैंसर बोलेंगे। तो कैंसर मैंने जैसे बोला अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कब हो सकता है, जब सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होते हैं ना उनमें उनके जीन में कोई डैमेज आ जाए, ठीक है। तो ये एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है म्यूटेशन की वजह से जो रिजल्ट हो तो उसका है कैंसर। कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एंड एक और बात अगर याद रखेंगे तो बढ़िया, वो सेल्स ग्रोथ बंद कर देते हैं, दे प्रिवेंट देयर ग्रोथ, लेकिन वो सिर्फ सेल डिवीजन करते हैं, मतलब जैसे कि एक जगह पे एक सेल से सिर्फ दो सेल बनना ज़रूरी है, बस ख़त्म, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। लेकिन अगर कैंसर हो गया है इस एक पर्टिकुलर सेल में, कैसे, उसके सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन में कहीं, उसके जीन में कहीं कुछ एरर आ गया है, तो ये सेल
दो सेल बना के नहीं रुकेगा, ये डॉटर सेल्स और डॉटर सेल्स बनाते जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, फिर ये और बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, इस तरह से आपको एक मास ऑफ सेल्स मिलेगा। कपिल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यस वो भी बोल सकते हैं। ग्रोथ मतलब क्या हो गया, डिवीजन की वजह से ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेल का साइज इतना था अब इतना हो गया, वो नहीं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, तो आप बोल सकते हैं कि एक सेल जब दो सेल बनाना चाहिए था, दो ना बना के वो कंटिन्यूसली बनाते जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन सेल्स का डिवीजन होते जा रहा है, और ये ग्रुपता नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्योंकि कैंसर सेल्स के पास, मैंने पहले भी बताया है जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, टिलोमरेज होता है। टिलोमरेज क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अगर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी एक सेल में तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता ही रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। हमारे सेल्स जो सोमैटिक सेल्स होते हैं नॉर्मल, उसमें टिलोमरेज एंजाइम होता नहीं है, इस वजह से जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके टिलोमियर जो होते हैं वो हर जनरेशन में जब भी सेल डिविजन होता है, मैंने पहले समझाया है, ये एक समझ लीजिए पेरेंट सेल है, दो डॉटर सेल बना, इन दोनों डॉटर सेल के डीएनए इस पेरेंट सेल के डीएनए से छोटे हैं, उनका टिलोमेरिक रीजन छोटा हो जाता है, टिलोमेरिक रीजन रेप्लिकेट नहीं करता है। तो ये जो रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, ये टिलोमरेज की वजह से सॉल्व हो जाती है इन कैंसर सेल्स, जो कि हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में नहीं है। और हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में नहीं है इसलिए सोमैटिक सेल्स मरते हैं, और इसीलिए एजिंग होती है, एजिंग। लेकिन यही कैंसर सेल्स के पास है जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को प्रॉब्लम होती है, क्या कैंसर सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें प्रॉब्लम होता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। सो ये प्रॉब्लमेटिक हो गई हमारे लिए अगर कैंसर सेल में है, लेकिन सोमैटिक सेल में होता तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता, एजिंग जो है वो नहीं होती हमें, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। एंड म्यूटेशन रेट अगर सोमैटिक सेल में बहुत ज़्यादा है, तो वही मैंने जैसे कहा सोमैटिक सेल्स इतने सारा, एक टिश्यू का साइज इतना होना चाहिए था वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ अब नॉर्मल होगी बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये मैंने आप यहाँ पे हम बात करेंगे, बात कर रहे हैं एरर के बारे में, फिर हम एरर कितने टाइप के हैं, कैसे ठीक होगा, ऐसे एक एक करके देखने वाले। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया म्यूटेशन के बारे में, उसके एक रिजल्ट के बारे में हमने बात की। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं टू क्लियर योर CSI नेट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि डिसम्बर सेकेंड वीक में होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। एंड अगर आपको डिसम्बर में क्वालिफाई करने का है तो अभी टाइम है आपके पास काफ़ी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी की इस चैनल पर 7 PM पे क्लास लेती हूँ, एज वेल एज अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐप चाहिए अपने फ़ोन में जैसे दूसरे ऐप्स हैं। आप जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो हैं स्पेशल क्लासेस, टेस्ट एंड क्विज, ठीक है। स्पेशल क्लासेस क्या है, मैं वहाँ अनअकैडमी के ऐप पर भी स्पेशल क्लास लेती हूँ, जैसे कि वेडनेसडे को, अपकमिंग वेडनेसडे को मेरी फिर से 3 स्पेशल क्लास होगी, फ्री है एब्सोल्युटली, आपको बस ऐप डाउनलोड करना है और उन्हें अनलॉक करने के लिए शेल K10 यूज़ करना है। ये कोड यूज़ करने के से आप अनलॉक कर पाएंगे विदाउट एनी पेमेंट, और मैं उस दिन आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन डिटेल। मैंने पहले भी यूट्यूब पे पढ़ाया है लेकिन वहाँ पे हम और भी डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, वैन डर वाल्स रेडियाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे चेक करेंगे एक बार, और काफ़ी अच्छी क्लास हम करने की कोशिश करेंगे। 80 मिनट्स की क्लास होगी जिसमें कि आपको पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, जिसके बाद आप कभी भी कोई बॉन्ड का नाम सुनेंगे आपको डर नहीं लगेगा। देन स्पेशल टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे देखने वाले हैं। गुरजीत हेलो बेटा, तो आपको बस वो डाउनलोड करके मेरी क्लास को देखने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है। और अगर आपको मेरी क्लासेस दूसरे एडुकेटर्स के क्लासेस ऐप पे और यहाँ पे अच्छी लगती है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दो तरह की हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिस्ट है, 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल, 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का 11600 टोटल एंड 1933 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 14500 टोटल, 1008 पर मंथ
एंड 24 मंथ्स का है 20,833 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे आपको शेल के 10 यूज करने से 10% ऑफ मिलेगा। वहां पे आप ये यूज करेंगे तो अनलॉक कर पाएंगे स्पेशल क्लासेस। यहाँ पे आइकॉनिक के प्राइजेस है, 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल 3,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल 2,167 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल 1,875 पर मंथ। प्लस एंड आइकॉनिक में डिफरेंस ये है, दोनों में आपको लाइव क्लासेस होंगी, दोनों में आप एडुकेटर के साथ टच में रह सकते हैं, लेकिन आइकॉनिक में आपको एक एडुकेटर आपका पर्सनल गाइड के फॉर्म में मिलेगा, जो आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करेगा, नोट्स मिलेंगे, रिव्यूज होगा आपके स्टडी का, सेशंस होंगे जिसमें आपको देखा प्लानिंग आपको दी जाएगी, ये सारा बेनिफिट्स होगा आइकॉनिक का। देन देयर इज अ प्राइस हाइक अलर्ट। प्लस एंड आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो यही बेस्ट टाइम है, एज आपको 8 से 15 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लेने से 12 मंथ्स का लेने से 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा होने वाला है। देन ये एक एक्स्ट्रा बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि अभी तक लेने से सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ मिलता था, यहाँ पे 25% ऑफ है। स्पेशल प्राइस वीक 13 से 17 सितंबर, अगर आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स इनमें से किसी एक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो अभी बेस्ट टाइम है, आपको प्राइस हाइक से बच जाएंगे एज वेल एज आप बहुत कम टाइम पैसों में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। गुरजीत बेटा कल 7 बजे क्लास, बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो उस वजह से या पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए नहीं लिया था। ये लेसन कल करने वाले थे, आज से हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन को ठीक करना क्यों ज़रूरी है, देखिए, और ना ठीक करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर म्यूटेशन यानी कि एरर है, एरर अगर हाई, पूरा हाई रेट में है, हाई स्केल, पूरा लार्ज स्केल में, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एरर आ गया उसे रिपेयर करना ज़रूरी है। लेकिन अगर सोचिए कोई भी एरर ना हो, पूरा परफेक्टली रेप्लिकेशन चलता रहे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ परफेक्टली चलता रहे, किसी केमिकल की वजह से कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको पता है? वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन क्या है, देखिए, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है हर जनरेशन में, डीएनए से जब नया डीएनए बनेगा या एक सेल से जब दो डॉटर सेल बनते हैं, एक सेकेंड चार्ज पे लगाना है, जब डीएनए से डीएनए जो रेप्लिकेट कर रहा है उस वक्त में प्रॉब्लम आती है, एरर आ जाता है। देन लेट्स सपोज जब गैमेट्स बन रहे हैं, एक एग और एक स्पर्म, तो गैमेट्स बनने के टाइम में मियोसिस होता है, जिस टाइम में क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें भी वेरिएशन डेवलप करता है। वेरिएशन मतलब पेरेंट जनरेशन से या पेरेंट डीएनए से जो डॉटर डीएनए है वो अलग होना चाहिए, थोड़ा ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ऐसा एक एरर हो जिस जो माइन्यूट हो, ज़्यादा हाई स्केल ना हो, उसकी वजह से कोई खास प्रॉब्लम उस वक्त ना अगर डेवलप करे, वैसे एरर्स आर वेरी बेनिफिशियल, वैसे एरर्स को कहा जाएगा वेरिएशन। अगर यही एरर हाई स्केल हो जाएगा, बड़े बड़े जगह पर होगा, या उसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट जीन हार्म कर जाएगा, उसकी वजह से हार्मफुल प्रोटीन बनने लग जाएंगे, उसे म्यूटेशन कहा जाएगा, उसे ठीक करना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों में या इवोल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो देखिए उसे वेरिएशन कहा जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बोला कि एक सोमैटिक सेल से जब दो सोमैटिक सेल बनते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करता है, उस टाइम में एरर आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर ऐसा आता है जो ठीक नहीं हो पाता है, रह जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में हर सेल से दूसरा सेल थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, गैमेट्स के टाइम में मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, गैमेट्स जिन पेरेंट सेल से बने हैं उससे बहुत अलग है। अब दो गैमेट फ्यूज करके एक जायगोट बना रहे हैं, सोचिए वो जायगोट अपने पेरेंट से कितना अलग होगा। अब उसी जायगोट से एक इंडिविजुअल बना, अब उसी का ही भाई या बहन बनेगा, सिबलिंग्स, वो अपने सिबलिंग्स से कितने अलग होंगे, वो अपने पेरेंट्स से कितना अलग होगा। ऐसा जनरेशन टू जनरेशन होता रहेगा, और इसे ही हम बोलेंगे माइक्रो इवोल्यूशन, या जो माइन्यूट वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, एंड स्लोली एंड स्लोली इट लीड्स टू स्पेसिएशन, या दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर म्यूटेशन का रेट ठीक है, मतलब म्यूटेशन हाई स्केल पे नहीं है और कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा है, तो ही वो वेरिएशन का कारण होगा, और वेरिएशन होगा तो ही इवोल्यूशन होगा। कैसे, देखिए,
हम आज जिस जनरेशन में है, आज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है समर्स में? 42-43, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन 100 ईयर्स के आसपास का सोचते हैं, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा समर्स में वो 43 नहीं होगा, वो 45 हो जाएगा। ये हमारा बात हो रहा है, 45 हमारा हम सस्टेन कर लेंगे, एसी चला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स कैसे सस्टेन करेंगे? तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, जो इतना हार्मफुल नहीं है इस जनरेशन में, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में गया, इस तरह से एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो वेरिएशन जो है डीएनए में, वो चांस दे रहा है कि नया प्रोटीन बन सकता है जो कि यूज़फुल हो सके ऐसे सिचुएशन में। एक एग्जांपल जैसा कि हमने लिया हाई टेम्परेचर, ठीक है, हमारा केस छोड़ते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। हाई टेम्परेचर 100 ईयर्स या 200 ईयर्स के बाद, इमेजिन कीजिए हाई टेम्परेचर लेट सपोज 50 के आसपास चला गया दिल्ली में, हमारे कंट्री में 50 के आसपास चला गया, 50 के आसपास चला गया, वो प्लांट कैसे सस्टेन करेगा? हो सकता है कि उसके स्ट्रेस रेस्पॉन्स के किसी जीन में ऐसा माइन्यूट वेरिएशन हर जेनरेशन में एक्यूमुलेट हो रहा था जो उस समय में उसे हेल्प कर दे, हो सकता है। लेकिन अगर यही वेरिएशन हो ही ना और कंटिन्यूसली हम रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहा है, तो ये एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं हो रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं चेंज होंगे, दैट विल लीड टू देयर एलिमिनेशन। इसकी वजह से स्पेशिएशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होते जाएगा, मरते जाएंगे, तो इससे सारा जो भी लिविंग वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिविंग वर्ल्ड जो है वो वेरिएशन की वजह से ही टिका हुआ है। वेरिएशन का एक कारण सबसे बड़ा म्यूटेशन है। अगर यही म्यूटेशन का रेट हाई नहीं है तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मतलब क्या है, एक बैलेंस होना ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ पे हैप्पी बैलेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड इट्स रिपेयर। मतलब म्यूटेशन भी हो, उसका रिपेयर भी हो जाए और थोड़ा बहुत चल भी जाए। जैसे कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन जो है, दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पेसिएशन। एंड इवोल्यूशन क्या है, अगर मैं बोलूँ आपको इवोल्यूशन एक वर्ड में समझाने की कोशिश कीजिए, तो इवोल्यूशन अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कैंसर समझाने की कोशिश कीजिए, वैसे इवोल्यूशन अगर मैं बोलूँ 3 वर्ड्स में बताइए तो डेफिनेशन कोई बोल सकता है? गुरजीत, मैं आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ इसलिए क्लास ले रही हूँ, और क्लास में लेने में मेरा और तबीयत ठीक हो जाएगा। सो और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ है, और अच्छा लगेगा। कोई इवोल्यूशन वर्ड को समझा सकता है इन 3 वर्ड्स? इवोल्यूशन को मैं बोलती हूँ, आप लोग याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है? यही चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यूज में, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। सुना होगा, सबको पता होगा ये वर्ड्स, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। मतलब अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, डीएनए में, और वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो फ़ायदा ही क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? देखिए सब चीज़ें कितनी कनेक्टेड है। हम रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, प्लांट्स क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? ताकि वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ें, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हर सोमैटिक सेल पुराने सोमैटिक सेल से अलग है, हर जर्म सेल दूसरे जर्म सेल से अलग है। दो जर्म सेल्स दो इंडिविजुअल के फ्यूज़ करेंगे, कितना अलग जाइगोट बनेगा। रिप्रोडक्शन हो ही रहा है वेरिएशन को जन्म देने के लिए, वेरिएशन हो रहा है इवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन हो रहा है इवोल्यूशन या स्पेसिएशन के लिए, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन के लिए। क्योंकि एनवायरनमेंट तो कंटिन्यूसली चेंज होगा, वो हमारे लिए कभी फिक्स नहीं होने वाला है। एनवायरनमेंट चेंज होगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस तरह से खुद को संभालना होगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो इन चेंज एनवायरनमेंट में रह सके। सो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डिसेंट मतलब क्या है, ट्रांसफ़र, हर जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र। मॉडिफिकेशन मतलब जो अभी हमने देखा, एक कारण है म्यूटेशन, ये बात ध्यान रखेंगे, वेरिएशन का एक कारण है म्यूटेशन। ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कभी हम इवोल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, आई विल टेल यू। वेरिएशन का एक कारण है म्यूटेशन, एक कारण जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, एरर, ठीक है? तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखते हैं वेरिएशन का कारण म्यूटेशन, और म्यूटेशन के क्या क्या कारण है। तो देखिए 3 कारण है। सबसे पहले तो इनएक्यूरेसी इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, जो कि किसकी वजह से ठीक होता है, प्रूफ रीडिंग की वजह से। प्रूफ रीडिंग क्या है, अगर बाय चांस गलत नाइट्रोजेनियस बेस आ गया रेप्लिकेशन के टाइम में, तो डीएनए पॉलीमरेज पीछे मुड़ेगा, उस गलत बेस को काट के हटा देगा, नया सही बेस लगा देगा। तो रेप्लिकेशन एरर
हम ठीक कर लेंगे, आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे एरर्स ना हमेशा रेप्लिकेशन एरर प्रूफ रीडिंग से 100% नहीं ठीक होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्किप कर जाता है। नेक्स्ट है केमिकल डैमेज, हम एग्जांपल्स देखेंगे। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिस जो कि डैमेज कर सकते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। देन एक और हो सकता है एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। देन हो सकते हैं ट्रांसपोजोन्स। ये ओवरऑल रीजंस है, क्या क्या है, इनएक्यूरेसी इन डीएनए रेप्लिकेशन विच कैन बी करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म्स, बट दैट प्रूफ रीडिंग ऑल्सो उनसे भी बच जाता है, कुछ एस्केप कर जाता है। देखिए बट सम एरर्स एस्केप डिटेक्शन, तो प्रूफ रीडिंग डीएनए रेप्लिकेशन इनएक्यूरेसी के ठीक करते हैं। एंड ये किसकी वजह से होता है, टॉटोमेराइजेशन। देखिए आज अगर आप एरर नहीं समझेंगे तो उसका रिपेयर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज एरर को समझना जरूरी है, आज हम एरर को समझेंगे। तो इनएक्यूरेसी इन डीएनए रेप्लिकेशन, केमिकल चेंजेस, केमिकल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज, ट्रांसपोजोन्स। केमिकल एंड एनवायरमेंटल एक ग्रुप में रखने से होगा, ट्रांसपोजोन स्पेशल ग्रुप है, इनएक्यूरेसी इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हम चार अलग अलग कर देते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। इनएक्यूरेसी इन डीएनए रेप्लिकेशन किसकी वजह से होता है, टॉटोमेराइजेशन की वजह से। हम देखेंगे टॉटोमर्स क्या है, टॉटोमेराइजेशन क्या है। वो ठीक होता है प्रूफ रीडिंग की वजह से, फिर भी एस्केप कर जाता है। नेक्स्ट केमिकल डैमेज, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारे डीएनए में फ़र्क पड़ सकता है। कैसे, जैसे कि डीडीटी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप, जैसे कि मॉर्टिन जो कॉयल होता है, जो मॉस्किटो को भगाने का जो कॉयल होता है, लेट सपोज वो हम इनहेल करते जा रहे हैं हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट कर रहा है, हो सकता है वो हमारी बॉडी के डीएनए को किसी तरह से डैमेज कर दे। तो केमिकल डैमेज डिपेंड करेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या हम कौन से केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हैं, हमारा बॉडी किसके एक्सपोजर में आ रहा है। देन एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है यूवी रेस की वजह से, कुछ और भी ऐसी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है, हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स क्या है वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ट्रांसपोजोन्स डीएनए एलिमेंट्स है जो कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे जाके एरर करते हैं, वहाँ एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे उस नॉर्मल डीएनए को म्यूटेट कर देते हैं या उसमें एरर डेवलप कर देते हैं क्योंकि वो नई जगह पे चले जाते हैं। तो ये ओवरऑल आइडिया देखा। अब म्यूटेशंस जो है वो डैमेज जो है, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं, सम डैमेज इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं सच एज रेडिएशन, उन्हें कहा जाएगा म्यूटाजेंस। केमिकल एजेंट्स की वजह से भी होता है, केमिकल एजेंट्स का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है, नाइट्रोसेमिनेस, सैमिन्स, एन मिथाइल, एन वन नाइट्रोगुआनिडाइन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डिटेल में देखने वाले हैं कौन सा एग्जाम्पल कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म या टॉटोमर्स की वजह से क्या होता है वो पहले चेक करते हैं। प्रियंका बेटा हेलो, यस बेटा, आज की पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, दिस इज डीएनए एरर एंड रिपेयर, डीएनए एरर्स एंड रिपेयर। आज हम देखेंगे कि डीएनए एरर क्या होता है, हम देख चुके हैं उसके, अब सोर्सेज देख रहे हैं, फिर उसका रिपेयर देखेंगे। एंड रिपेयर से एक क्वेश्चन पक्का है, पक्का दो भी हो सकता है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा पक्का हो जाएगा। एंड इसका काफ़ी इंटर रिलेटेड है, डीएनए स्ट्रक्चर से इंटर रिलेटेड है, तो ये अच्छे से पढ़ लेने से काफ़ी इजी है, क्यों छोड़ें उस एक क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं रेप्लिकेशन एरर। चार चीज़ें मैंने बोली, क्या क्या, रेप्लिकेशन एरर, केमिकल, एनवायरमेंट, ट्रांसपोजन्स। रेप्लिकेशन एरर इज ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, जिसमें कि एक नाइट्रोजेनियस बेस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डीएनए स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था। देखिए ये साइटोसिन है, साइटोसिन ये नॉर्मल वाला है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन चला गया जिसकी वजह से ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो साइटोसिन ऐसे तो अमीनो फॉर्म में रहता है, NH2 रहता है उसके पास, लेकिन वो इमिनो में कन्वर्ट हो जाता है NH, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टॉटोमेरिज्म। अगर आपको कोई पूछेगा टॉटोमेरिज्म क्या है, तो वन वर्ड में आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, हो गया है, और यहाँ पे अमीनो से इमिनो में कन्वर्ट हो गया है साइटोसिन। तो जहाँ पे साइटोसिन जाना ज़रूरी है, वहाँ पे ये फॉर्म ना जाके इमिनो फॉर्म चला जाएगा, ऑफकोर्स प्रॉब्लम डेवलप करेगी, क्योंकि ये साइटोसिन इमिनो फॉर्म में गया है। तो साइटोसिन का टॉटोमेराइजेशन होता है अमीनो से इमिनो। देन यहाँ पे देख सकते हैं ग्वानिन, ग्वानिन वैसे तो कीटो फॉर्म में रहता है, यहाँ पे देखते हैं ये कीटो है, कीटो ग्रुप है, कीटो से वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक एक्स्ट्रा एच आ गया। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है,
नहीं तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लॉस हुआ है, साइटोसिन अमीनो से इमिनो में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे गेन हुआ है, कीटो में आर सी डबल बॉन्ड ओ से आर सी डबल बॉन्ड ओ आर से वो कन्वर्ट हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ था ना, ये वाला था, अब यहाँ पे ओ एच में कन्वर्ट हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ इस ओ के साथ में, सॉरी ऐसा नहीं है, एक सेकेंड यहाँ पे ये कीटो फॉर्म में था लेकिन ये सी डबल बॉन्ड ओ जो था ना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये कन्वर्ट हो गया आर सी ओ एच आर। तो यहाँ देख सकते हैं तो साइटोसिन अमीनो से इमिनो एंड ग्वानिन कीटो से इनॉल, ये याद रखना है आपको कि ग्वानिन जो है वो कीटो इनॉल कन्वर्जन दिखाता है, टॉटोमेरिज्म दिखाता है, साइटोसिन अमीनो इमिनो टॉटोमेरिज्म दिखाता है, यहाँ पे देखते हैं यूरासिल लैक्टम लैक्टिम डबल लैक्टिन टॉटोमेरिज्म दिखाता है। तो क्या क्या है, साइटोसिन ठीक है, ग्वानिन एंड यूरासिल, ये तीन का यहाँ पे टॉटोमेरिज्म मैंने दिखाया। साइटोसिन का याद रखेंगे अमीनो से इमिनो, याद रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर से हो जाता है, अमीनो से इमिनो, ग्वानिन कीटो से इनॉल एंड यूरासिल लैक्टम से लैक्टिन से डबल लैक्टिन। इसमें देखिए ये भी देखिए डबल सी डबल बॉन्ड ओ था, ओ एच हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक और पोजीशन में ओ एच ऐड हो गया, इसलिए इसको डबल लैक्टिन कह रहे हैं। ये भी एक तरह का कीटो इनॉल कन्वर्जन ही है, लेकिन यूरासिल के केस में कीटो इनॉल कन्वर्जन को लैक्टम लैक्टिन डबल लैक्टिन कन्वर्जन के फॉर्म में देखा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे लैक्टम में सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ था, लैक्टिन में देखिए यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, इस पोजीशन में होने से लैक्टम से लैक्टिन होता है टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में डबल बॉन्ड ओ लेकिन यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे गेन हुआ है हाइड्रोजन का। सो यूरासिल इज शोइंग ओवर हियर लैक्टम टू लैक्टिन, लैक्टिन टू डबल लैक्टिन। तो यूरासिल में ये भी कीटो इनॉल ही है, लेकिन यूरासिल के केस में कीटो इनॉल को लैक्टम और लैक्टिन कन्वर्जन कहते हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो साइटोसिन में क्या देखा गया था, देख सकते हैं अमीनो इमिनो टॉटोमेरिज्म, ग्वानिन में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एंड यूरासिल में लैक्टम से लैक्टिन से डबल लैक्टिन। अगर ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसिस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये नेचुरली हो जाता है ऐसा, अगर ऐसा है एंड डीएनए पॉलीमरेज सही साइटोसिन आने के बजाय, मतलब अमीनो साइटोसिन लाने के बजाय इमिनो इनकॉर्पोरेट कर दें, सही ग्वानिन के बजाय इनॉल ग्वानिन कन्वर्ट इनकॉर्पोरेट कर दें, डबल लैक्टिन या लैक्टिन फॉर्म इनकॉर्पोरेट कर दें, तो क्या होगा, दैट विल लीड टू म्यूटेशन। बस ये प्रूफ रीडिंग से ठीक होगा, बट फिर भी रह जाएंगे जो एस्केप कर जाएंगे, एस्केप जो करेगा फिर क्या आएगा, हमारा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे ऐसा होगा प्रूफ रीडिंग से ठीक होगा, फिर भी एस्केप कर जाएगा, डीएनए रिपेयर से ठीक होगा, डीएनए रिपेयर का कौन सा मैकेनिज्म लगेगा ये हमको चेक करना है। तो टॉटोमेरिज्म का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को टॉटोमर्स कहते हैं एंड ये बेसिस देख सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब साइटोसिन का अमीनो और इमिनो इक्विलिब्रियम में रहते हैं साइटोप्लाज्म में। तो सोचिए डीएनए पॉलीमरेज को कितनी प्रॉब्लम होगी और कितना चांस हाई है टॉटोमेराइज्ड या टॉटोमेरिक फॉर्म का इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये पहला चीज़ हो गया, डीएनए में जो म्यूटेशन जो है उसका फर्स्ट सोर्स हो गया हमारा रेप्लिकेशन एरर। रेप्लिकेशन एरर इज ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैन बी करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग। इफ प्रूफ रीडिंग में इट एस्केप्स देन इट कैन बी करेक्टेड बाय डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। विच डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म वी विल सी। तो ये पहला सोर्स खत्म हो गया हमारा म्यूटेशन का, डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये वाला। तो एक्चुअली डिटेल में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मुझे नीचे इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, ये वाला हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में पहले ही बोल दिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में केमिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, केमिकल एंड एनवायरमेंटल, कौन से केमिकल कौन से एनवायरमेंटल कैसे चेंज लाते हैं, कैसे ठीक होता है, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इन्हें स्पॉन्टेनियस कहेंगे। देखिए केमिकल्स हो सकते हैं कुछ, जैसा कि मैंने आपको बोला रेडिएशन हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से एरर आ सकता है। इन एरर्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे।
इसके अलावा ट्रांसपोजॉन्स, जो कि मैंने बोला ये डीएनए के ही एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह जहां उनका लोकेशन है वहां से जंप करके कहीं और जाते हैं, वहां इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं एंड उस जीन का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे। सो केमिकल्स में एग्जांपल्स हमने देखे, एनवायरनमेंट का मैंने आपको बताया, रेडिएशन, यूवी रेस सबसे कॉमन, इन चीज़ों की वजह से म्यूटेशन होता है। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे कि परमानेंट डैमेज जो कि कभी ठीक नहीं होगा। अगर परमानेंट डैमेज है उस सेल के रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन पे जो असर करेगा, मतलब अगर कोई एक जीन है उसमें म्यूटेशन आ गया जिस वजह से उसका ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि एक जीन लेट सपोज यहाँ है, यहाँ उसका प्रमोटर है ना, ये समझ लीजिए डीएनए है, यहाँ जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, यहाँ प्रमोटर है, उसके प्रमोटर के जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पे तो पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पाएगा, पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो कैसे होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर प्रमोटर में म्यूटेशन होने से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, रेप्लिकेशन के लिए लेट सपोज रेप्लिकेशन का कोई मशीनरी बाइंड जो करेगा डीएनए से उसमें प्रॉब्लम आ गई, या रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उसके जीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो एंजाइम ही नहीं बन पाएगा तो रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो अगर म्यूटेशन रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन या एट प्रेजेंट वाली चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा तो उस इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम आएगी इमीडिएट इफेक्ट होगा, नेक्स्ट जनरेशन को गया तो पूरे स्पीशीज पे असर पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ट्रांसफर होगा। और ये जो एरर्स आते हैं इन्हें डीएनए लेसाइंस भी कह सकते हैं, आपने देखा होगा लेसाइन मतलब होता है जैसे कि हाथ जल जाता है तो फोड़ा जैसा हो जाता है ना, उसे बोलते हैं स्किन के लेसाइंस, वैसे ही डीएनए लेसाइन मतलब ऐसा ही डैमेज वाला पोर्शन डीएनए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका मैम, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है? अच्छा बेटा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मैं इसका आंसर कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड होता है। ठीक है, प्लास्टिड क्या है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, कोई बोल सकता है सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? अगर डिफाइन करने के लिए बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, जैसे मैंने बोला म्यूटेशन का एक डेफिनेशन आपको दिया, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, रैंडम, फास्ट, या फास्ट तो नहीं, स्पॉन्टेनियस रैंडम, ये दोनों वर्ड सही है, एंड हेरिटेबल। अगर हेरिटेबल है तो वेरिएशन, रुकिए वेरिएशन कब आएगा ये भी बात याद रखेंगे, वेरिएशन की बात करने के टाइम में आपको हेरिटेबल चेंजेस याद रखना है। अगर म्यूटेशन आया लेट सपोज, वो म्यूटेशन स्मॉल है, बेनिफिशियल है लेट सपोज, अगर वो ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर वो पूरे स्पीशीज में कैसे हेल्प करेगा। तो जो भी म्यूटेशन है अगर वो अच्छे हैं, जैसा कि मैंने बोला अच्छे भी होना ज़रूरी है, कम होना ज़रूरी है, अगर वो हेरिटेबल ही नहीं है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो इंसान में होगा या वो प्लांट में होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो अगर सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन बोलेंगे तो कोई बोल सकता है सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं पूछूँ सेल ऑर्गेनेल की तो, या आपको कोई एट्थ क्लास का बच्चा पूछ रहा है क्योंकि एट्थ क्लास में ये चीज़ शुरू होती है तो आप उसको क्या समझाएंगे? आपके पास वो आएगा बोलेगा भैया 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 दीदी दीदी मुझे सेल ऑर्गेनेल क्या है, पढ़ाया जा रहा है कॉलेज स्कूल में, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, क्या आप बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल मतलब होता है विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो भी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल मतलब क्या होता है, स्मॉल ऑर्गन्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल विच आर इन द साइटोप्लाज्म। तो प्लास्टिड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट्स, दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स, एंड प्लास्टिड्स तीन तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है प्रियंका बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या है, एक टाइप का पिगमेंट है बस। ठीक है, पिगमेंट क्या होता है, जैसे कि आपके आप जिस कलर से लिख रहे हैं पेन के, इंक उसमें पिगमेंट होता है, तो पिगमेंट क्या है, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है वो उस पर्टिकुलर कलर का, फिर उसके पीछे फिजिक्स है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स फ्लावर्स, वो किसकी वजह से कलर दिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट है वो कलरफुल है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, दे आर कलरलेस क्योंकि उनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो वो इसके लिए स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जैसे कि पोटैटो
रूट्स, रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट होता है। पोटैटो क्या है, पोटैटो में ल्यूकोप्लास्ट भरा हुआ है, उनके सेल्स में, पोटैटो के सेल्स में जो प्लास्टिड है वो ल्यूकोप्लास्ट है। फ्लावर में जो प्लास्टिड है वो क्रोमोप्लास्ट है। लीफ में जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो ये लोकेशन और फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लास्टिड होगा। मैम ग्रैनम में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हाँ बेटा ग्रैनम में पाया जाता है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट का अंदर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो म्यूटेशन हमें पता चला किस वजह से होता है। एंड देखिए स्ट्रोमा एंड ग्रैना इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, उसका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके डिटेल में अंदर जाने से आपको बहुत थायलाकॉइड जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, फिर वो कनेक्टेड होता है, जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस तरह से उसके स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट का पता चल जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। म्यूटेशन जैसा मैंने बोला एरर है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन यहाँ पे हम सिर्फ एरर जो पढ़ रहे हैं वो म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखेंगे। एरर जो होते हैं डीएनए में वो बहुत सारे जो डीएनए के जो एरर होते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं, विच इज़ ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। बट वेरिएशन के और भी रीजंस हैं, और भी सोर्सेस हैं, ठीक है। बस म्यूटेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें डीएनए के बारे में जानना है। तो म्यूटेशन डीएनए में एरर होता है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। और भी वेरिएशन के क्या रीजंस हो सकते हैं, कोई बोल सकता है और एक कोई रीजन म्यूटेशन वेरिएशन का, और एक कोई रीजन सोर्स वेरिएशन का, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन में म्यूटेशन एक हुआ, और कोई सोर्स है वेरिएशन का, कोई बोल सकता है और कोई सोर्स बोल सकता है वेरिएशन का, ये आप ढूंढ के लाएंगे, कोई अभी बोल सकता है, ठीक है। वेरिएशन के बारे में आप ढूंढ के लाएंगे, हम इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वेरिएशन का कोई और क्या सोर्स हो सकता है, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर बोलेंगे, तब तक आप सोचिए, टाइम नहीं है नहीं तो, ठीक है। तो सेल में म्यूटेशन हुआ, एरर हुआ, अब सेल के पास चैलेंजेस है क्या क्या। सबसे पहले तो स्कैन करना पड़ेगा, इसको ढूंढने के लिए लोकेट करना पड़ेगा, देन उसे ठीक करना पड़ेगा, मेंड मतलब उसे ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। एंड अगर रिपेयर कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि उसे वापस से नॉर्मल जितना था उसमें कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो सेल टॉलरेट करेगा उसको। तो क्या क्या करेगा, स्कैनिंग के लिए प्रोसेस होंगे, मैकेनिज्म्स हैं, उसको लोकेट करना होगा, उसको प्रिपेयर करना होगा। अगर ये सब नहीं है तो उस एरर को कैसे हमारा सेल टॉलरेट करेगा, ये सब हमको चेक करना है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, हाउ इज़ द डीएनए रिपेयर्ड रैपिडली, कैसे डीएनए रिपेयर हो जाता है ताकि वो जेनेटिक मटेरियल में और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सेल को कैसे पता चलता है कि किस डॉटर स्ट्रैंड में प्रॉब्लम है, किस में नहीं है। अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो कैसे सेल वापस से डीएनए सीक्वेंस को फिर से नॉर्मल बना लेता है, क्योंकि अगर ब्रेक या कोई ऐसी चीज़ आ गई तो ओरिजिनल सीक्वेंस वैसे के वैसे नहीं रहेगा, ओरिजिनल सीक्वेंस पूरा बदल गया। तो कैसे सेल को पता चला कि ओरिजिनल सीक्वेंस कैसा था, वो उसे वापस से कैसे लेके आएगा। इसके बाद अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से रेप्लिकेशन रुक गया तो सेल फिर कैसे उसको ठीक करेगा, ये सारी चीज़ों का आंसर हम करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो पहले एरर्स का पढ़ लिया आज हमने, एरर्स के टाइप फिर देखेंगे, केमिकल कौन से केमिकल्स करने वाले हैं, कौन से एनवायरमेंटल एजेंट्स करने वाले हैं, ट्रांसपोजॉन्स कैसे एरर लाते हैं, रेप्लिकेशन का एरर का हमने देख लिया आज। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल रिपेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। उसके बाद में डीएनए डैमेज को कैसे टॉलरेट करना है, तो ये तीन चीज़ें हमको देखनी है, डीएनए डैमेज का टॉलरेट, उसके बाद रिपेयर मैकेनिज्म्स, और एरर अगर है तो वो किस वजह से, डिटेल में ये चीज़ें हमको पढ़ना है। सो आज का इंट्रोडक्शन के चैप्टर में मैं इतना ही डिस्कस करने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। कल की क्लास से हम, आज तो हमने रेप्लिकेशन एरर टॉटोमेरिज्म के बारे में देखा, कल से केमिकल एनवायरमेंटल ट्रांसपोजोन्स, पहले ये तीन खत्म करेंगे, उसके बाद रिपेयर मैकेनिज्म्स, टॉलरेशन के लिए मैकेनिज्म्स कैसे टॉलरेट करेंगे। विद इन 5 to 6 days ये चैप्टर हो जाएगा, 1 hour डेली करने से, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन रिकॉम्बिनेशन में जाएंगे, ट्रांसपोजिशन में जाएंगे, डीएनए पैकेजिंग में, एक प्रॉपर यूनिट खत्म होने के बाद में पूरा यूनिट से प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट में एंटर करेंगे। तो पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा विद इन 15 to 20 days, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन। एंड कल से आप अगर डेली क्लास करेंगे, आज तो इंट्रोडक्टरी था, कल से डेली क्लास करेंगे, आपका काफ़ी सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, एंड ये 1 to 2 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपका पक्का आपका हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा कोड है शेल K10। कल के वेडनेसडे की स्पेशल क्लासेस में आप